जब समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव, जिन्होंने राम भक्ति को भी पाखंड कहा था कुछ दिन पहले, राम भक्तों पर वैसे गोलियां चलाने का इनका इतिहास रहा है, उन्होंने कहा कि राम मंदिर बेकार है, ये ठीक से बना नहीं है, इसका नक्शा ही खराब है, ये यूजलेस है, देख लीजिए इसका वास्तु ही खराब है। सोचिए कि पहले राम भक्तों का विरोध, राम भक्ति को पाखंड, राम जी के अस्तित्व पर सवाल, और अब राम मंदिर पर ही हमला। और केवल समाजवादी पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी ने तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को इवेंट बुलाते हुए कैसे उसका बहिष्कार किया। राम मंदिर को लटकाना अटकाना भटकाना ये कांग्रेस पार्टी ने लगातार किया। राम मंदिर गुलामी की निशानी आरजेडी ने कहा। रामचरित मानस पर हमला इन लोगों ने किया। और अब सनातन समाप्ति की बात से लेकर राम बनाम शिव कराने की बात तक, और अब राम मंदिर पर किस प्रकार से ये लोग अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। करोड़ों राम भक्तों ने 500 वर्ष का इंतजार किया तब राम मंदिर आया, परंतु आज वो कह रहे हैं राम मंदिर बेकार है। क्या किसी और धर्म के स्थल के बारे में ऐसा बोला जा सकता है? कतई नहीं बोला जा सकता, ना बोला जाना चाहिए। पर केवल हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदू को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली, ये बन चुका है इंडी अलायंस का चरित्र।